उत्तराखंड के हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान कोरोना टेस्टिंग में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इसे लेकर राज्य सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इसे लेकर कहा है कि मामला बहुत पुराना है, मैंने आते ही इस पर जांच कराई। तीरथ सिंह रावत ने कहा, मैं मार्च में आया हूँ और ये मामला बहुत पुराना है, हमें इसकी जानकारी मिली, मैंने आते ही इस पर जाँच कराई। हम चाहते हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, वो मामला पुराना है, मैं मार्च में आया हूँ, वो मामला बहुत पुराना है और जब मैंने इसकी छानबीन की, मैं दिल्ली में था, मुझे जानकारी मिली है कि ऐसा ऐसा, लेकिन उस पर तो पहले ही हम जांच बिठा चुके हैं, मैं आते ही उस पर जांच बिठाया हूँ और मैं चाहता हूँ उसका दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, जिसने भी एक गड़बड़ी की होगी। ये मैंने कहा कि मेरे समय पहले का है, लेकिन जांच हमने की कर रहे हैं, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। गौरव की हरिद्वार में कुंभ मेले के दौरान निजी लैब द्वारा फर्जी कोविड टेस्ट की रिपोर्ट बनाने का मामला सामने आया है। स्वास्थ्य विभाग की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि एक निजी लैब में टेस्ट की संख्या ज्यादा दिखाने के लिए फर्जी आधार कार्ड जमा कर टेस्ट किए। इस प्राइवेट लैब द्वारा एक ही फोन नंबर पर कई श्रद्धालुओं की जांच रिपोर्ट डाली गई। कई जांच रिपोर्ट में एक ही आधार कार्ड का इस्तेमाल किया गया। वहीं एक ही घर से सैकड़ों लोगों की जाँच का मामला सामने आया है। मामले का पता तब चला जब प्राइवेट लैब ने पंजाब के एक युवक को कोरोना की रिपोर्ट SMS कर दी। युवक ना तो हरिद्वार कुंभ मेले में शिरकत करने पहुंचा था और ना ही उसने कोविड टेस्ट कराया था। युवक द्वारा इस मामले की शिकायत इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से की गई, जिसके बाद ICMR ने जांच के निर्देश जारी किए थे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।